कम दोस्तों, सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वीडियो को सुनने से पहले मैं सभी मेरे व्यूअर्स जो मेरा YouTube चैनल जो मेरा वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रही। दोस्तों आज बात करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति अगर पुलिस घर पे आ जाती है तो डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, छुप जाते हैं, ये क्या कारण है? ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस किसी कारणवश आपके घर पे आ जाती है या आपके पास किसी पुलिस वाले द्वारा ये कहता है कि आप थाने में चलिए, तो उसे बेझिझक जाना चाहिए। इससे ये नहीं समझे कि आपकी बदनामी होगी, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं दोस्तों। पुलिस अगर घर पे आ जाती है तो आपको भगना नहीं चाहिए। भगने से पुलिस ये सोचती है कि इसी का किसी केस में इन्वॉल्व होगा, जिस केस में पुलिस आई है तो ये समझेगी कि इसका उस केस से इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए वो भाग रहा है, छुप रहा है। ये अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल 100% डाउट होगा पुलिस को कि उस व्यक्ति का किसी ना रूप में केस में इन्वॉल्व है। अगर पुलिस आपके घर पे किसी कारण आ जाती है तो आप सोचते होंगे कि बदनामी के डर के बारे में कि पुलिस किस वजह से आई है, अपने घर पे क्यों पूछताछ करी। अगर पुलिस आ जाती है तो आप उस जो भी पुलिस वाला आया है, पुलिस अधिकारी आया है, उनको 100% उसके बारे में पूछिए कि आप किस कारण से मुझे पूछताछ कर रहे हो, किस केस में पूछताछ कर रहे हो, क्या मैटर है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको जो पुलिस अधिकारी उससे पूछनी चाहिए। अगर पुलिस वाला आपके दबाव डाले कि आपको थाने में चलना है, ऐसे चलना है, गिरफ्तार करे, वो सारी चीजें, तो आपको किसी भी एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए, एडवोकेट को बुला लेना चाहिए। क्योंकि आजकल दोस्तों पुलिस किन किन कारणों से घर पे आ सकती है, अगर किसी ने किसी के साथ मारपीट की हो, 151 से 716 में पाबंद किया, उसको नोटिस तामिल करवाने के लिए पुलिस घर पे आ सकती है, या किसी भी बैंक से आपने ऋण ले रखा हो तो उसकी नोटिस के लिए पुलिस आ सकती है, या पुलिस ऐसे ही किसी आसपास आपकी कोई घटना हो गई हो उसके बारे में पुलिस पूछताछ करने के लिए आ सकती है। लेकिन दोस्तों पुलिस अगर किसी के बारे में पूछते संतुष्ट जवाब दीजिए। अगर अपन उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, अगर अपन इन्वॉल्व भी हो तो सारी चीजें क्लियर बता देनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने इस वजह से ऐसा किया है। कि जब तक आप पुलिस को हकीकत नहीं बताओगे या हकीकत नहीं कहोगे, तब तक पुलिस आपके घर पे बार बार आती रहेगी। अगर पुलिस आती है जैसे आपके नोटिस सम्मान जमीन के को का हो उसी के बारे में नोटिस आती है, तो पुलिस वाला जो बीट पर बारी है वो आपके घर पे आएगा, आपसे पूछेगा, तामिल करवाएगी, आपकी ये मैटर चल रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी इस चीज से नहीं घबराए कि पुलिस मेरे घर पे क्यों आई, अगर पुलिस मेरे घर पे आ गई तो मेरी बदनामी होगी, भाई किसी कारण में क्या कुछ कर दिया होगा। दोस्तों ये चीजें नहीं होती, क्योंकि कहीं भी कारण हो सकता है। अगर आपके पड़ोसी या आपके गांव में कुछ हो जाता है मान लो, तो पुलिस आसपास पड़ोसियों की पूछताछ करेगी। अगर आपको पूछताछ करने में भी ये डर होता है कि पुलिस मेरे घर पे क्यों आई, मेरी बदनामी होगी, दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये अंधविश्वासों में नहीं रहना चाहिए। अगर पुलिस का काम है तफ्तीश करेगी, सारी चीजें करेगी। अगर दोस्तों आजकल हर चीज कोई संगीन मैटर होता है उसमें पुलिस एंड टू एंड गिरफ्तारी करती है, जो छुटमुट मैटर होते हैं, छुटमुट घटनाएं होती है, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती, जब तक तफ्तीश नहीं करेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी आपके घर पे आए, उसको कारण पूछे, आप किस वजह से मेरे घर पे आए हो, क्या वजह है, क्या जानना चाहते हो, किस मैटर से मुझे बुलाने आए हो, या मुझे किस मैटर से आपको थाना ले जा रहे हो, ये सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए। अगर दोस्तों इस सारी चीजें से संतुष्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि हमें किसी बैंक द्वारा नोटिस आया हो, 116 में अपन को पाबंद किया है कि आपने कोई मिस्टेक की हो, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बचोगे तो ज्यादा पुलिस आपके शक करेगी। इसलिए दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों एक लाइक बनता है इसे लाइक जरूर करें।